हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ यूट्यूब के नए अपडेट्स के बारे में, जो कि एक्चुअल में अपडेट है। तो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लगे मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा कि YouTube ने येलो मोनेटाइजेशन पे काफी सारे अपडेट्स लेकर आया है कि आने वाले टाइम में वो हो सके जितना येलो मोनेटाइजेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एडल्ट ह्यूमर कंटेंट को और इन सब तरह के कंटेंट्स को वो येलो मोनेटाइजेशन हटाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ हद तक वो हटा भी चुके हैं और आगे भी इस चीज पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में उस अपडेट के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें कि हमें थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिल जाए। येलो मोनेटाइजेशन में हमें एक्चुअल में इतनी एक्स्ट्रा यहाँ पे अच्छी खासी क्लैरिटी नहीं मिली है। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है हमें मिल जाए, लेकिन फिलहाल इतनी अच्छी क्लैरिटी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकले हैं वो है सबसे पहले तो डिसलाइक को लेकर। तो गाइस, यूट्यूब पे जितने भी डिसलाइक्स आते हैं, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, जितने भी हमें डिसलाइक्स आते हैं, उनमें से 99% जो डिसलाइक होते हैं वो होते हैं हेटर्स की तरफ से, जिनको हमसे जलन मचती है। मतलब जिन लोगों को हमारे वीडियो से व्यूज देख के जलन होती है, या फिर जिन लोगों के पसंद हमसे बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मैंने अगर किसी वीडियो में बोला कि मुझे विराट कोहली ज्यादा पसंद है, तो यार रोहित शर्मा के फैन मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। ठीक है, तो मतलब वही चीज है कि ये यूट्यूब में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हेटर्स होते हैं जो डिसलाइक करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब ने एक अपडेट निकाला है, जिसमें आने वाले टाइम में, अभी फिलहाल स्टार्ट कर दिया है इस अपडेट को, कुछ चैनल्स पर इसको ट्राई करके देख रहे हैं कि किस तरीके का रेस्पॉन्स रहता है। बाकी आगे और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा इलाबोरेट कर सकते हैं ये। तो अभी फिलहाल ये कर रहे हैं कि डिसलाइक जो काउंट होता है उसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक का काउंट बिल्कुल वैसा का वैसा दिखेगा, कितने लाइक से आपकी वीडियो पे वो सबको दिखेंगे, लेकिन जितने डिसलाइक्स होंगे ना वो नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसलाइक काउंट है वो हम देख सकते हैं, हम हमारे वीडियोस पर डिसलाइक काउंट देख सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो यूजर्स जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो वहां पर उनको डिसलाइक काउंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात मुझे कहीं ना कहीं लग रही है, क्योंकि यार जो यूजर्स हमारे वीडियो को डिसलाइक करते हैं और उसके बाद जो यूजर्स आते हैं, उनको लगेगा कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको भी डिसलाइक कर रखा है, तो मतलब इस वीडियो में कोई खास बात नहीं होगी, जबकि वो वीडियो बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा हो सकता है, उनका भी फायदा करेगा। तो यहाँ पर दोनों का फायदा, ये एक तो क्रिएटर्स का फायदा है जिनको डिसलाइक जिनके वीडियो पे डिसलाइक नजर नहीं आएंगे, और ऊपर से यूजर्स का भी फायदा है, जो लोग डिसलाइक को देख के चले जाते हैं वो उन लोगों को अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में अच्छा कंटेंट होता है, लेकिन सिर्फ हेटर्स के डिसलाइक की वजह से दूसरों को लगता है कि यार अच्छा कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक फायदा दोनों ही लोगों को रहता है। तो इस वजह से इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब ने ये अच्छा सा एक अपडेट निकाला है, जो कि सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हेटर्स यार हर जगह बैठे हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, एक दूसरा बंदा कहीं ना कहीं बैठा होगा जिसको वो चीज पसंद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया सा अपडेट रहा। और इसके अलावा इससे भी ज्यादा अच्छे अपडेट्स आगे निकाले हैं, जिसमें कि कम्युनिटी पोस्ट के बारे में कुछ अपडेट्स निकाला है। क्योंकि अब गाइस क्या होगा कि पहले क्या होता था कि हम अपने कम्युनिटी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते थे अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस से, अब आईओएस पे भी हम ये चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा अपडेट ये है कि कम्युनिटी पोस्ट में हम एक इमेज अपलोड कर पाते थे। ठीक है, अब आने वाले टाइम में हम वहां पर 5 इमेज तक अपलोड कर सकते हैं, हमारी मर्जी हो गया उतना कर सकते हैं, लेकिन 5 से पहले एक ही कर सकते थे, हमारे पास एक ही ऑप्शन हुआ करता था, क्या ठीक है एक ही इमेज हम अपलोड करते थे, लेकिन अब हम एक ही कम्युनिटी पोस्ट के अंदर 5 5 इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। जो अब तीसरा अपडेट है वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, वो ये है कि कम्युनिटी पोस्ट का जो एनालिटिक्स होता था वो अब तक हम नहीं देख सकते थे, लेकिन अब हम कम्युनिटी पोस्ट के भी एनालिटिक्स को देख सकते हैं। हम उसके ऊपर कितने इंप्रेशन हमें आ रहे हैं, कितने उसमें हमें एंगेजमेंट आ रही है, ये सारी चीजों का एनालिटिक्स हम यूट्यूब स्टूडियो में अब देख पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यार कम्युनिटी पोस्ट एक ऐसी चीज होती है जो, अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, जितना हमारे इमेज पर या हमारे एक वीडियो को हम प्रमोट करते हैं कोई कम्युनिटी पोस्ट, तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर हम, आपने ध्यान रखकर देखा होगा कि अगर आप एक पोल डालते हो तो पोल में अच्छी खासी एंगेजमेंट आती है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं तो भी इन सभी चीजों का आपको एक एनालिटिक्स देखने को मिलेगा कि आपने, जब आप रेगुलरली पोस्ट डाले हो कम्युनिटी पोस्ट पे तब आपको कितना इंप्रेशन मिल रहा है, जब आप रेगुलरली नहीं डाल रहे हो तो आपको कितना इंप्रेशन मिल रहा है, और उस पर कितना एंगेजमेंट आ रही है, ये सारी चीजें अब हम यूट्यूब स्टूडियो में देख पाएंगे। तो ये वाला जो अपडेट रहा है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यार कम्युनिटी पोस्ट
एक ऐसी चीज है जो हमें 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद मिलती है। स्टोरी टाइप एक ऐसी चीज है जो हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मिलती है। मतलब एक तरह से कि हमारा अचीवमेंट है, तो इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो इस चीज का एनालिटिक्स हमें देखने को मिलना चाहिए था, जो अब हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। स्टोरी टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे यूट्यूब स्टूडियो में, जैसे ही हम यूट्यूब स्टूडियो में नहीं, हमारे यूट्यूब का जो ब्राउज फीचर होता है, मतलब यूट्यूब का जो होम पेज होता है, होम पेज पे आपको देखने को मिलता है कि आपके YouTube स्टोरी से कितने व्यूज आए हैं और उससे आपने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए, वो अब हमें देखने को मिल रहा है। वो एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हर बार हमें क्या होता था, हमारी स्टोरी को प्ले करके देखना पड़ता था कि यार चलो ठीक है, इसमें कितने व्यूज आ रहे हैं या फिर इसमें कितने लाइक्स आ रहे हैं। लेकिन अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अब हमें डायरेक्टली यूट्यूब के हमारे होम पेज पे, अगर आपने अपने चैनल का होम पेज जो है उसको आपने चला रखा होगा, जैसे आप अपने चैनल से आप लॉग इन करते हो, जो भी आपकी ईमेल आईडी से लॉग इन करते हो, और उसके होम पेज पे ही आपको देखने को मिल जाता है कि आपकी जो स्टोरी है उसने कैसा परफॉर्म किया, वहां पर आपको कितने व्यूज मिले और उस स्टोरी से आपने कितने सब्सक्राइबर्स लिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और अब ये चीज कम्युनिटी टैब के साथ भी है, लेकिन कम्युनिटी टैब में और भी अच्छा किया है, क्योंकि अब हम यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स में हम इस चीज को देख पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार एनालिटिक्स चाहिए होता है इंप्रूव करने के लिए। सबसे जरूरी चीज होती है एनालिटिक्स, क्योंकि एनालिटिक्स से ऊपर यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनालिटिक्स अगर अच्छा से करने आ गया तो हमें अच्छा, हम आगे फ्यूचर में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो वायरल कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जितने व्यूज आ रहे हैं उससे कम से कम एक व्यूज ज्यादा अगर कल लाना है तो आपको एनालिटिक्स करना आना चाहिए। तो ये जो एनालिटिक्स हमें जितने ज्यादा यूट्यूब प्रोवाइड करवाता जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो गाइज ये एक बहुत ही बढ़िया सा अपडेट है, तो मैंने आपको चारों अपडेट बता दिए। बाकी यार येलो मोनेटाइजेशन के लिए जो यूट्यूब कर रहा है ना, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे वीडियो जो होते हैं बहुत ही अच्छे वीडियोज बनाते हैं हम। ठीक है, हालांकि एजुकेशन वीडियोज में ये सब चीजें अप्लाई नहीं होती, इसलिए मुझे तो कोई मतलब ही नहीं होता येलो मोनेटाइजेशन से। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, मतलब जो कम्युनिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं वो जो लोग बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी चीजों को बताने के लिए, उसको एक प्रॉपर तरीके से बताने के लिए इन सब चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है। और जैसे ही हम उन चीजों को इंक्लूड करते हैं ना, तो यार उसमें येलो मोनेटाइजेशन आ जाता था, तो अब प्रॉपरली कोई बता नहीं पाता। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि अगर येलो मोनेटाइजेशन हटा दिया तो हर बंदा खुल के बात कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं येलो मोनेटाइजेशन जो हटा के यूट्यूब कर रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो गाइस मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली है, तो जो भी यूट्यूब के अपडेट्स है फिलहाल अप्लाई नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी से अप्लाई हो जाएंगे। और ये जो डिसलाइक वाली जो चीज है ना यार, ये अप्लाई हो चुकी है। अब हर चीज एक बीटा लेवल पे स्टार्ट होती है, उसको सबसे पहले टेस्टिंग होती है कि उससे क्या फायदा हो रहा है, और उसके बाद जाके उसको हर जगह अप्लाई किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि अपलोड जो है, ठीक है, वो भी अभी तक सबको नहीं मिला, उसकी भी अभी तक टेस्टिंग टेस्टिंग ही चल रही है। काफी सारे चैनल्स को मिल चुका है अपलोड, लेकिन काफी सारे चैनल को नहीं मिला, अपने चैनल को भी अभी तक अपलोड नहीं मिला है। ठीक है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये सब जल्दी से एकदम से सबको दे दे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये डिसलाइक वाला और अपलोड वाला फीचर जो है वो आ जाए, ताकि हम सभी को उससे कुछ ना कुछ फायदा हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।